गढ़वाल की पौराणिक मंगशीर्ष बगवाल की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 25 और 26 नवंबर को मनाई जाने वाली मंगशीर्ष बगवाल में देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रवासी बगवाल मनाने उत्तरकाशी पहुंचेंगे। मंगशीर्ष बगवाल के आयोजनकर्ता अनघा माउंटेन एसोसिएशन इस बार नई थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ के साथ आएगी, जिसका उद्देश्य आने वाली नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू करवाएंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग पूरे जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं। सभी लोग लोक नृत्य पेश कर रहे हैं। देखा आपने किस तरह सभी लोग तैयारियों में जुटे हैं। 25 और 26 नवंबर को मनाई जाने वाली मंगशीर्ष की बगवाल के कार्यक्रमों की जानकारी आयोजनकर्ता ने दी, सुनिए। इस वर्ष मंगशीर्ष बगवाल 25-26 नवंबर को मनाई जाएगी। 25 नवंबर को प्रथम दिवस में गढ़ संग्रहालय और गढ़ भोज का उद्घाटन प्रातः 11 बजे किया जाएगा मुख्य अतिथि के द्वारा, और इसके साथ ही जो शैक्षणिक प्रतियोगिताएँ हैं, गढ़ भाषण हो गया, गढ़ निबंध हो गया, गढ़ चित्रण हो गया, उसका आयोजन किया जाएगा। और साथ साथ में जो कि हमारे पारंपरिक खेल है, राज है, रस्साकसी है, मुर्गा झपट है, उनका आयोजन किया जाएगा। और शाम को छोटी बगवाल मनाई जाएगी, और जो संस्कृति विभाग के द्वारा जो कि सांस्कृतिक दल आ रखा है उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। ये तो प्रथम दिवस का कार्यक्रम है। और द्वितीय दिवस यानी कि 26 नवंबर को 4 बजे से कंडहार देवता के मंदिर से हमारी सांस्कृतिक यात्रा प्रारंभ होगी, और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान को वो सांस्कृतिक यात्रा पहुंचेगी। वहां पर हमारे जो लोक कलाकार हैं उनके द्वारा जो लोक जो रासव नृत्य तानी प्रस्तुत किया जाएगा, और सांस्कृतिक दल के द्वारा जो कि बाहर से आ रहा संस्कृति विभाग के द्वारा यहाँ पे जो सांस्कृतिक दल भेजा जाएगा उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही उस दिन का जो मुख्य आकर्षण है भैल नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग भगवान शिव की धरती पर आएं और उत्तरकाशी के मंगशीर्ष की बगवाल का आनंद लें। साथ ही हरीश रावत ने आयोजकों को कार्यक्रम में बुलाने के लिए शुक्रिया भी कहा। बगवाल शब्द अपने आप में ही एक बहुत रोमांचक शब्द है, हमारी संस्कृति का सूचक शब्द, और मंगशीर की बगवाल उत्तरकाशी की धरती पर लोगों के मन में रोमांच, उत्साह और श्रद्धा से भर देती है। मैं बहुत आभारी हूँ बगवाल के आयोजक गणों का, उन्होंने 25 तारीख को मुझे बुलाया है बगवाल से साक्षात करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए, देखने के लिए, लोगों उसमें शरीक होने के लिए। मैं भी आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 25 तारीख को उत्तरकाशी पहुँचें और उत्तरकाशी की बगवाल का, भगवान शिव की धरती की बगवाल का आनंद लें सबको। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के विभिन्न गांवों में मनाई जाने वाली मंगशीर्ष की बगवाल देश में मनाई जाने वाली दीपावली के 1 महीने बाद मनाई जाती है। मंगशीर्ष की बगवाल की मान्यता है कि जब भगवान श्री राम वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो पहाड़ों में उसकी सूचना 1 महीने बाद मिली थी, इसलिए पहाड़ में 1 महीने बाद मंगशीर्ष की बगवाल मनाई जाती है। इसके साथ ही बगवाल मनाने की दूसरी मान्यता है कि वीर भड़ माधो सिंह भंडारी अपना युद्ध जीत कर घर लौटे थे, इसलिए पहाड़ के लोगों ने अपने सेनापति की जीत में यह बगवाल मनाई थी, और इस बार भी बड़े पैमाने पर यह बगवाल आयोजित की जा रही है, जिसमें गढ़ निबंध सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा ताकि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से रूबरू हो पाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।